विंध्य की बेटी मुहावरों से झलकती ममता, ये पुस्तक विमोचित हुई है। वह शुभ दिन है, उनके जन्म दिन है, 90 साल की वो आज शुरू हो जाती है। इस अवसर पर हम जितने भी हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर घनश्याम सिंह जी अध्यक्षता करते हुए अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी के राजकुमार आचार्य जी, डॉक्टर दिनेश कुशवाहा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर फूलचंद और हमारे प्रिय श्री सैम अंकल, हम उनके साथ साथ आप सभी का स्वागत है। और मेरी अंतर आत्मा जानती है कि आज मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे इस कार्यक्रम में मेरे चाचा जो कि 90 वर्ष के हैं, उन्होंने पूरा प्रयास करके आज यहाँ पधारे हैं। उनकी आत्मीयता को भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। 2 दिन पहले हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें सभी मीडिया वालों ने तरह तरह के सवाल पूछे और उस दिन हमको बघेली भाषा में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। आज भी हम चाहते हैं कि आपन मातृभाषा बघेली में हम बाकी भाषण दें। अपना पंचे जितने जने हियन पधारिन हैं, मुख्य अतिथि गण के अलावा कोनो न कोनो आत्मीयता रखत रहें दाऊ से, मम्मा से और या पूरे परिवार से, जेखे वजह से अपना पंचे सब हियन पधारे हैं।
मंचासीन के अलावा जो उन सामने हमारे पास अतिथिगण बैठे हैं, मीडिया वाले बैठे हैं, हम सबन के बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हमका ज़्यादा बोले के हुकुम नहीं आए, ऐसे हम आपन भाषण सबसे संक्षिप्त रखा। इतने बड़े बड़े वक्ता लोग अपना का मम्मा के परिचय के अलावा मुहावरन के बारे में सब बताई ही और अपना निश्चिंत रही। काहे जब हम आए रहन हॉल में तब से हमसे यह पूछा जात रहा कि हमों का किताब चाहिए, हमों का किताब चाहिए। हमार भावना या किताब का छपवावे में दुई हैं, एक तो दाऊ के पत्नी रही लेकिन हमार माँ रही। माँ का हो थी या हमसे को पूछ, मेरे माँ के बारे में लोग कम जानते थे और इस पुस्तक के विमोचन के बाद हमारा पूरा विश्वास है कि मम्मा के व्यक्तित्व का सबको जान ले ही। आप सबका इतना आभार व्यक्त करी कम है और कितना स्वागत करी या हम आज न कर पाऊँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करा कि आज के यह कार्यक्रम के बारे बाद मानस भवन में कुछ न कुछ बघेली भाषा के प्रचार प्रसार बराबर हो जा है। और जौन मानस भवन हमारे पिताजी चाचा जी और पूरा मानस भवन के जितने लोग उसे संबंध रखते हैं, हमार कौनो सहयोग अगर हो सकी तो मानस भवन के माध्यम से बघेली भाषा के और बघेल खंड के पूरा जो उतार चढ़ाव है ओके बारे में सबको के पास तक पहुँची यह हमार वादा है। मानस भवन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के खातिर बहुत फेमस है। हमों अपन जीवन के पहल गीता ज्ञान यज्ञ यह मानस भवन में सीखें और वह समय के स्वामी तेजोमयानंद जी आवत रहे और मानस भवन के महिमा दिन पे दिन बढ़त थी। हम चाहे थे कि मानस भवन एक ऐसा जगह स्थान बनाए रीवा में जहाँ यह तरह के बहुत कार्यक्रम हैं और बघेल खंड के मातृभाषा कितने लोग भूल रहे हैं वो खा वापस वो याद करें। और हो सकत है हमार मम्मा का काफ़ी याद करेगी कि उनके या बघेली मुहावरन के बारे बाद भाषा के प्रयोग और भाषा के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान हुई। एक कुछ चंद शब्दन के साथ हम फिर से अपना पंच के सब स्वागत करे थे और आशा रखे थे कि यह कार्यक्रम के बाद अपना पंचे बघेली भाषा का वह स्थान तक पहुँचाओ जो उनकी सपनों में मम्मा नहीं सोच सकत रहे। धन्यवाद।